हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी भरी गिलकी। गिलकी आपने खाई होगी तो अधिकतर बहुत ऑयली रहती है, कलर उसका बहुत ज़्यादा। पहले की जो हमारी जनरेशन थी वो चटपटी सब्ज़ी पसंद करती थी, लेकिन जो हमारी आज की जनरेशन है वो बहुत लेस ऑयली फूड पसंद करती है। ये सब्ज़ी उसका बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये मैंने यहाँ पर इसको गिलकी को छील लिया है, पानी में डाल दिया है। 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं, इनके बीज निकाल लिए हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, 3 प्याज ली हैं और हरा धनिया लिया है। इस सब्ज़ी की खासियत ये है कि इसका कलर बिल्कुल ग्रीन रहेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, और जो लोग कम ऑयल पसंद करते हैं और हरी सब्ज़ियाँ, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया, इन सब का हम एक पेस्ट बनाएंगे थोड़ा सा पानी डालकर। तो चलिए हम हमारे मसाले की तैयारी करते हैं। ये देखिए, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन और प्याज, इन चारों को मिलाकर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट बना लिया है। साथ ही जो गिलकी है इसको छील कर और धोकर कट कर लिया है पानी के अंदर। अब हम हमारी सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पैन में मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल मैंने 1 चम्मच लिया है, आप भी कम लीजिए। हम लेस ऑयली फूड बनाएंगे, प्लस जो ये वेजिटेबल हम बना रहे हैं ये बिल्कुल ग्रीन कलर में रहेगी, ये बहुत टेस्टी लगती है और जो लोग कम ऑयली फूड पसंद करते हैं उनको बहुत पसंद आएगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा डालेंगे। अब इसमें हमारा हम मसाला डालेंगे। जीरा हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए, मसाला सारा मैंने डाल दिया है और इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मसाला हमारा ग्रीन कलर पे ही दिख रहा है। इस सब्ज़ी की खासियत यही है कि ग्रीन कलर पे दिखती है, और ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी हमारी हरी भरी गिलकी। मसाला हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्याज का मसाला है, हरे धनिए का, अच्छे से सीख चुका है। अब इसमें हमारे हम मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा धनिया, हमने इसमें हरा धनिया काफ़ी सारा ऐड किया है इसलिए हम पिसा धनिया 1 चम्मच ही डालेंगे। इसको हम सेक लेते हैं ताकि हल्दी का कच्चापन नहीं रहे। इसमें हम लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे पिसी, क्योंकि हम इसको ग्रीन कलर पर बना रहे हैं, लेकिन इसके मसाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है। और हम पिसा गरम मसाला भी लास्ट में ऐड करेंगे तो इसका वही टेस्ट आएगा, बहुत टेस्टी लगेगी, लेकिन कलर इसका ग्रीन रहेगा। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और हमारे मसाले को हम सेकेंगे। थोड़ी देर हम इसको सेकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला भी अच्छे से सूख चुका है। इसमें हम हमारी गिलकी ऐड करेंगे। इनको हमने धोकर अच्छे से काट लिया है। ये सब्ज़ी आप चपाती इसके साथ, पराठे के साथ, जीरा राइस के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। देखिए कलर इसका बिल्कुल ग्रीन है, ग्रीन ही रहेगा सब्ज़ी का कलर। इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। कम पानी में पकाना है इनको, इसको थोड़ी तो लटपटी अच्छी लगती है। अब इसको हम ढक के पकाएंगे। फ्लेम हम पहले हाई कर देंगे और जब उबाल आ जाएगा तो फिर हमारी फ्लेम हम स्लो कर देंगे। देखिए हमारी सब्ज़ी में उबाल आ चुका है। अब जो हमारी फ्लेम है हम वो लो कर देंगे, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। मैंने चेक कर ली, गिलकी बिल्कुल पक चुकी है। इसमें हम 1 चम्मच पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे। गैस हम ऑफ कर देते हैं। सब्जी को हम बाउल में निकाल लेंगे। देखिए कलर बिल्कुल इसका ग्रीन है, खाने में बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी हरी भरी गिलकी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी बनी है। इसको हम थोड़ा और हरा करेंगे, हरे धनिए से गार्निश करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी गिलकी बहुत अच्छी बनी है। आप इसी तरह से बनाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।